क्या हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. सो व्हाट वी आर गोइंग टू रीड, कॉसल लेविस स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका जो अप्रोच है उसके बारे में पढ़ेंगे, ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे और इसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं वो पढ़ेंगे. देन ऑल्सो स्टडी द स्ट्रक्चर्स, मतलब कैसे टाइप ऑफ बॉन्ड्स, कौन कौन से बॉन्ड्स बनते हैं, बॉन्डिंग कैसे होती है. देन वी विल कम टू वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी, वेस्पर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है. देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बारे में भी पढ़ेंगे. देन द डायरेक्शनल अप्रोच मीन्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस समथिंग लाइक अबाउट डायपोल मोमेंट, और इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा. सो देन वी विल डिस्कस डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, मीन्स ये जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना, दैट इज ऑल अबाउट केमिकल बॉन्डिंग, मीन्स किस तरीके के बॉन्ड्स बनते हैं, बॉन्डिंग क्यों, ऐसा क्यों होता है कि कई जो होते हैं, कई एलिमेंट्स जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कई आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, या फिर स्टेबिलिटी बॉन्ड्स बनते ही क्यों हैं, क्यों कैसे स्टेबिलिटी गेन करते हैं. एंड आफ्टर केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मींस बॉन्डिंग बनने के बाद ही तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है. एंड वी विल ऑल्सो स्टडी द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, मतलब कि 3D में वो जो है वो कैसे दिखते हैं. सो दिस चैप्टर इज रियली इंपॉर्टेंट. अगर आपको कंसेप्ट समझना है केमिस्ट्री का कि एक्चुअली बॉन्डिंग होती कैसे है, तो ये चैप्टर आपको बहुत ज्यादा डीपली देखना होगा कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं. तो पहले तो एकदम बेसिक से चलेंगे हम लोग कि बेसिक क्या है. देखो बेसिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉसल लेविस स्ट्रक्चर. कॉसल लेविस स्ट्रक्चर के बारे में वैसे मुझे लगता है काफी आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, बट देन ऑल्सो वी विल डिस्कस कि इसमें क्या चीजें हैं. देखो कॉसल लेविस स्ट्रक्चर व्हाट इट इज लेविस पोस्टुलेटेड दैट एटम्स, हाँ बेटा अभी स्टार्ट किया है, ओके आई हैव जस्ट स्टार्टेड. लेविस पोस्टुलेटेड दैट एटम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड्स, है ना. हम क्या देखते हैं कि जो लेविस साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये बोला कि जो बॉन्डिंग होती है, एटम्स जो है वो बॉन्डिंग करते हैं. क्यों बॉन्डिंग करते हैं? टू अचीव स्टेबल ऑक्टेट. क्यों बॉन्डिंग करते हैं बेटा? स्टेबल ऑक्टेट अचीव करने के लिए. नाउ यू नो व्हाट इज ऑक्टेट. ऑक्टेट तो सबको पता है, ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्ट का मतलब क्या होता है? 8. एंड ऑक्टेट का मतलब होता है टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. 8 इलेक्ट्रॉन्स का अपने आसपास क्या करना, अचीव करना, कि कैसे जो है वो लेविस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले ये अप्रोच दिया केमिकल बॉन्डिंग का. और उन्होंने ये कहा कि जो मोस्ट ऑफ द एटम्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने मतलब उनकी टेंडेंसी क्या होती है, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स अचीव कर लें, 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव कर लें. और इसी वजह से वो क्या करते हैं, दे आर लिंक्ड बाय द केमिकल बॉन्ड्स, और इसीलिए वो केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं. ओके, तो देखेंगे अब लेविस सिंबल्स. इन्होंने कुछ सिंबल्स दिए, उन्होंने कहा कि सिंबल्स के लिए इन्होंने क्या बोला, That a dot is used for one electron. एक dot जो है वो एक electron के लिए use होगा, ठीक है. तो फिर lithium. अब कौन से electron? अगर हम सारे electrons के लिए dot बनाते बैठ जाएं बेटा, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो इन्होंने कहा, we will see only valence electrons. हम किसको देखेंगे? We will see only valence electrons. See, he has written valence electrons. हम केवल और केवल valence electrons को देखेंगे, बाकी हमें मतलब नहीं इलेक्ट्रॉन से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, दैट इज लिथियम. अब सब लोग जानते हैं बेटा लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, 3 होता है. सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी रिटन लाइक 1s2 2s1, ऐसे ही लिख सकते हैं. तो वैलेंस शेल कौन सा होगा? 2s1 विल बी द वैलेंस शेल, ठीक है. 2s1 जो होगा वो 2 जो होगा वो वैलेंस शेल होगा, और s जो है वो सब शेल होगा, ठीक. इतना डिटेल में मत जाओ, बस ये समझो कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए देखो यहाँ पर एक डॉट, ठीक. ये लेविस सिंबल हो गया किसके लिए, लिथियम के लिए. नाउ कम टू बेरिलियम, ठीक है. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4. सो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या लिख सकते हैं, 1s2 2s2. क्या लिख सकते हैं? 1s2 2s2. अब 1s2 2s2 में वैलेंस शेल कौन सा हुआ? दिस विल बी द वैलेंस शेल. तो ये जो वैलेंस शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो यहाँ पर देखो बेरिलियम के अराउंड कितने डॉट्स बन गए, 2 डॉट्स बन गए, फाइन. फिर ऐसे ही बोरॉन, सो व्हाट विल हैपन टू बोरॉन? अच्छा, बोरॉन का देखेंगे तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5 होता है. सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैन बी रिटन लाइक 1s2 2s2 2p1, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते हैं,
एस में जब दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते तो हमें कहाँ मूव करना पड़ेगा, टू पी में मूव करना पड़ेगा। अब बेटा कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे कहते हैं कि इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन होगा, बट इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि एक्चुअली ये जो टू होता है दैट इज नोन एज वैलेंस शेल। शेल हम किसको कहते थे, याद करो चैप्टर नंबर टू हमने क्या पढ़ा था, शेल कौन से होते हैं, के एल एम एन, ये शेल होते हैं। और के की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। एल की वैल्यू कितनी होती है, टू होती है। तो जो वैलेंस शेल है वो यहाँ पर देखो, इसकी भी वैल्यू टू है, एन की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू टू है, मीन्स ये पूरा का पूरा वैलेंस शेल कहलाएगा, 2s2 and 2p1 पूरा का पूरा वैलेंस शेल कहलाएगा। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन। सो यू कैन सी बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, यहाँ पर 3 डॉट शो कर दिए, मींस ये बोरॉन का लीविस स्ट्रक्चर हो गया। सिमिलरली यू कैन ड्रॉ फॉर द अदर एटम्स आल्सो, ठीक है, ग्रीन ग्रुप वाले। यस ऑफ कोर्स यू कैन ड्रॉ दिस फॉर ऑल द एटम्स, आप चाहो तो किसी के लिए भी ये ड्रॉ कर सकते हो। सपोज आई टेक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 8 होता है। ओके, यू हैव टू मेमोराइज एटॉमिक नंबर्स बेटा, अगर केमिस्ट्री पढ़नी है ना तो एटॉमिक नंबर तो बिल्कुल याद करने ही पड़ेंगे, देयर इज नो अदर वे, कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। तो बचने की कोशिश बिल्कुल मत करना, जहां पर पढ़ते हो बेटा पीरियोडिक टेबल लगा लो। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, आई एम मास्टर्स इन केमिस्ट्री एंड आई हैव ऑल्सो स्टक पीरियोडिक टेबल in front of me, क्योंकि it happens, है ना, भूल जाते हैं, चीजें नहीं याद रहती कई बार, तो you have to memorize, है ना? So oxygen का atomic number हम क्या लिख सकते हैं, 1s2, electronic configuration क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p4, fine, तो देखो total number of electrons 8 हो गए ना, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गए। Now again, valence shell कौन सा होगा, 2, valence shell कौन सा होगा, 2 जो है, that will be a valence shell. Means ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, valence shell. और valence electrons कितने हो गए, देखो 2 plus 4 यानी कि कितने हो गए, 6 electrons. So similarly oxygen में देखो कितने dots हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Means Lewis ने केवल इतना बोला कि हमें जो inner shells हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, हम valence shell के जो electrons हैं वो किससे show करेंगे, डॉट से शो करेंगे। और डॉट से, डॉट के साथ शो करने के बाद हम ये करेंगे कि उनकी जो टेंडेंसी होती है वो ऑक्टेट बनाने की होती है। मतलब कि लिथियम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इसकी टेंडेंसी यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की होगी, ठीक है। बेरिलियम, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसकी टेंडेंसी भी यहाँ पर 2। अब देखो, अब दो चीजें आती हैं, एक तो आता है ड्यूप्लेट और एक होता है ऑक्टेट, ठीक। ड्यूप्लेट का मतलब होता है टेंडेंसी टू कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है यानी कि जो वैलेंस शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेना, सो दैट इज नोन एज ड्यूप्लेट, ठीक है। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर ले सो दैट विल बी नोन एज ऑक्टेट, ठीक। ये ऑक्टेट हो गया, ये डुप्लेट हो गया। तो कई एलिमेंट्स जो होते हैं वो डुप्लेट में स्टेबिलिटी शो करते हैं और कई एलिमेंट्स किसमें कर, ज्यादातर एलिमेंट्स ऑक्टेट में शो करते हैं, ऐसा कि लिविस ने कहा, जैसा लिविस ने कहा। और कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ एलिमेंट्स किसमें शो करते हैं, डुप्लेट में अपनी स्टेबिलिटी शो करते हैं। अब हम देखेंगे आगे कि कौन से डुप्लेट में स्टेबल होते हैं और कौन से ऑक्टेट में होते हैं, फाइन। तो ऐसे हम लोग ये जो है ये स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। फिर क्या हुआ, कॉसल इन रिलेशन टू केमिकल बॉन्डिंग, ड्रॉ अटेंशन टू द फॉलोइंग फैक्ट्स। अब हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कॉसल थ्योरी से रिलेटेड। कॉसल लेविस थ्योरी जो थी बेटा, वो इसलिए हमें पढ़ाई जाती है क्योंकि ये फर्स्ट अप्रोच था केमिकल बॉन्डिंग का, मतलब बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, ये पहला अप्रोच था, इसलिए ये पढ़ाई जाती है। बाकी इसकी कई सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, ऐसा नहीं है, वी विल ऑल्सो रीड अबाउट द ड्रॉबैक्स। तो देखो, इन्होंने फर्स्ट थिंग व्हाट ही हैज टोल्ड, द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन्स एंड द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्काली मेटल्स आर सेपरेटेड बाय द नोबल गैसेस। देखो हम पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल में क्या देखते हैं, द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन्स, हैलोजन्स जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। हमने पढ़ी लिया पुराने चैप्टर में दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस होते हैं और जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स कौन से होगा बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये अल्कली मेटल्स हो गए। और हैलोजेंस कौन से हो गए, दैट विल बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हैलोजेंस हो गए। तो ये क्या कह रहे हैं, नोबल गैसेस, दीज आर सेपरेटेड बाय द नोबल गैसेस, का मतलब ये नहीं है बेटा कि इनके बीच में नोबल गैसेस आ जाएंगी, यहाँ पर नोबल गैसेस आ जाएंगी, नो,
इनका मतलब ये है कि इनकी जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की होती है, और इनकी जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की होती है। और जो नोबल गैसेस होती है उनकी टेंडेंसी ना इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की होती है ना गेन करने की होती है। सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट दीज आर सेपरेटेड बाय नोबल गैसेस। फाइन, ओके। सेकेंड पॉइंट ये क्या कह रहे हैं, द फॉर्मेशन ऑफ अ नेगेटिव आयन फ्रॉम अ हैलोजन एटम एंड अ पॉजिटिव आयन फ्रॉम एन अल्किलीन एटम alkali metal atom is associated with the gain and loss of an electron by the respective atoms. इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि अगर जो halogen atom है, halogen atom means fluorine, chlorine, bromine, ये जो halogen atom है इसकी tendency क्या होगी, electrons को lose करने की होगी, मतलब ये electron को, sorry, electrons को gain करने की होगी, इसीलिए कौन सा ion बनाएगा, negative ion बनाएगा। Of course beta, what do we see, अभी हमने पुराने chapter में ही देखा था, जो chlorine है what it tries to do, it tries to accept one electron, ठीक है, और क्या बना लेता है, Cl negative बना लेता है, बनाता है कि नहीं बनाता है। अगर मैं इसको चाहूँ कि Lewis के उसमें represent करूँ, so what do you say, chlorine के valence shell में कितने electrons होते हैं, tell me, one point repeat कर दीजिए, yes Anjali, I am coming back to that, first tell me number of valence electrons in chlorine, yes, I want answer from everyone, valence electrons कितने होते हैं chlorine में, tell me, chlorine mein 7, others, others please respond, yes 7, kaise pata chala beta, देखो लास्ट चैप्टर में भी में ही हमने देखा था बेटा, जो हैलोजन्स होते हैं दैट कम्स अंडर ग्रुप 17, कौन से ग्रुप में आते हैं, ग्रुप 17 में आते हैं, एंड द आउटर मोस्ट शेल हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, मींस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2NP5, यही होता है NS2NP5, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर हैलोजन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर हैलोजन NS2NP5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 7, यस वेरी नाइस एवरीवन 7, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने डॉट्स बना देंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डॉट बना दिए, ओके। देन व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, वन इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, वन इलेक्ट्रॉन, सो व्हाट डू यू से, ये जो गेन कर रहा है, अब जो ये NS2NP5 है, अब P में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं P में, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, NS2NP6, व्हाट इट विल बिकम, NS2NP6, यानी कि इसके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो कितने हो गए, 2 + 6 = 8 हो गए, मीन्स हाउ मेनी डॉट्स वी विल ड्रॉ, 1 2 3 4 5 6 7 8, so can you see that it has completed here its octet, isne apna octet kya kar liya hai, complete kar liya hai, kya kar liya hai, complete kar liya octet, yani ki isne kya achieve kar liya hai, stability, yahi to Lewis ne kaha, Lewis ne kya kaha ki jo elements hain या तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं या वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं, बट इन सारे प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, क्या कंप्लीट होता है, ऑक्टेट। तो देखो क्लोरीन ने तो कैसे ऑक्टेट कंप्लीट किया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर कर लिया, मतलब इसने क्या बना लिया, एनायन, एवरीबडी नोज दिस, नेगेटिवली चार्ज आयन को एनायन कहते हैं और पॉजिटिवली चार्ज आयन को कैटायन कहते हैं, ओके। अब आओ सोडियम पर, सोडियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक एवरीबॉडी नोस, इट इज मींस 2+1, यस इट इज NS1, ठीक है, और जो पुराना होगा वो तो हो गई, तो ये NS1 है, अब इसके पहले भी कुछ होगा तो चलो हम लिख ही लेते हैं पूरा, सोडियम जो है वो 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, इट बिकम्स, अगर हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2s6 1, ऐसे ही होता है, कुछ हो गए ना 11, देखो हाँ मैम ऐसे ही होता है, 9 10 11 ऐसा ही होता है, ओके फाइन।
तो देखो सोडियम 11 एटॉमिक नंबर होगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सोडियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आप ऑफ कोर्स कितने बोलोगे? वन इलेक्ट्रॉन, यही है ना, वन इलेक्ट्रॉन बोलोगे। बट व्हाट हैपेंस सपोज अगर सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आयन को क्या कहते हैं? कैटायन। पॉजिटिव चार्ज आयन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज आयन को एनायन कहते हैं। देखो अब क्या हुआ, जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो देखो बेटा क्या हुआ, जो 3s1 वाला था वो तो चला गया, मीन्स इसको मैं क्या कर दूं, काट दूं। 3s1 वाला जो था वो तो गया। अब गया, जब वो गया तो उसके बाद वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल, नाउ वी डोंट कॉल इट वैलेंस शेल, हम क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 2+6, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 2+6 बचे 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो अगेन द कॉन्सेप्ट बिकम्स दैट इट हैज कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट। क्या कंप्लीट कर लिया उसने? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो बेसिक जो कंसेप्ट है जो लिविस ने दिया, उन्होंने यही कहा कि जो कोई भी एटम है या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके या वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके स्टेबिलिटी अचीव करता है, और हाउ इट अटेन्स स्टेबिलिटी, बाय कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट। गॉट इट? गॉट इट एवरीवन? ओके, अब देखो बेटा ये जो सेकंड पॉइंट है, मैं फर्स्ट पॉइंट पे आ रही हूँ, पहले ये जो सेकंड पॉइंट है यही मैं बता देती हूँ कि देखो जो हैलोजन एटम है, हैलोजन में हमने किसका एग्जांपल लिया था? क्लोरीन का। तो हैलोजन ने क्या कर लिया? नेगेटिव आयन बना लिया। और जो एल्कली मेटल था, एल्कली मेटल में हमने किसका एग्जाम्पल लिया? देखो सोडियम का। सोडियम ने क्या पॉजिटिव आयन बना लिया सोडियम ने, एंड दे आर एसोसिएटेड विद गेन एंड लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय द रिस्पेक्टिव एटम्स। और एक ने गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन, एक ने लूज कर दिया, एंड अल्टीमेटली वो क्या हो गए? मैम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दीजिए। यस अर्पित, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई टीच यू, ठीक है? वैसे क्या है बेटा, हमने काफी डिटेल में पढ़ रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, चैप्टर नंबर 2 में। बट कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। हालांकि अगर आप थोड़ा पहले ज्वाइन करते तो मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताया था, बट इट्स फाइन, आई एक्सप्लेन यू अगेन। देखो सुनो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जनरल मैं आपको बता देती हूँ बेटा कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। सपोज इफ यू वॉन्ट टू राइट, देखो पहले तो ये समझो कि जो शेल्स होते हैं, क्या होते हैं? शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स, फाइन। शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है, और ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए ये कॉन्सेप्ट पहले तो आपको समझना होगा कि सबसे बाहर होते हैं शेल, मतलब सबसे बड़े होते हैं शेल, इलेक्ट्रॉन्स जिसमें रहते हैं, फिर उसके अंदर होते हैं सब शेल्स, फिर होते हैं ऑर्बिटल्स, फिर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब शेल्स जो हैं, शेल्स कौन कौन से होते हैं? KLMN, कौन कौन से होते हैं? KLMN, ठीक है। इस जो शेल्स होते हैं उनकी वैल्यू को हम n भी कहते हैं, n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं बेटा? n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और k की वैल्यू होती है 1, l की होती है 2, m की होती है 3, n की होती है 4, ऐसे चलते रहते हैं, ठीक। तो KLMN मींस 1 2 3 4, ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हर एक शेल के अंदर क्या होंगे? सब शेल, ठीक। कितने सब शेल होंगे ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि सब शेल जो है, अच्छा हाँ, सब शेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सब शेल को रिप्रेजेंट करते हैं SPDF। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सब शेल को? SPDF। S जो है, S में मैक्स टू मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। P में मैक्स टू मैक्स 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। D में मैक्स टू मैक्स 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और F में 14 इलेक्ट्रॉन। ये बात, अब हम देखते हैं बेटा कि K जो है उसमें क्या होगा। तो K में जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो होते हैं उसके बराबर, मींस हम क्या देखेंगे, अगर K है तो K के पास केवल और केवल एक ही सब शेल होगा। क्या होगा? एक ही सब शेल होगा, कौन सा? S, बस। L के पास कितने होंगे? 2 होंगे, मतलब S भी होगा और P भी होगा। M के पास S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा, और
एन के पास एस पी डी एफ चारों होंगे। इसीलिए जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं बेटा, तो आपने पीरियोडिक टेबल में एक चीज नोटिस की होगी कि कुछ ऐसा नहीं है पीरियोडिक टेबल, तो ऐसा क्या है? अगर हम एन की वैल्यू वन है, मतलब एन की वैल्यू वन यानी कि फर्स्ट अगर हम देखें, तो उसमें तो केवल और केवल हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर एक हीलियम है। सॉरी, लेट अस नॉट ड्रॉ ओवर हियर, लेट मी ड्रॉ अपसाइड। ठीक है, हमें क्या देखने को मिलता है कि पहला वाला जो है, मतलब n की वैल्यू जो 1 है, उसमें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, केवल दो ही एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन हो गया, एक हीलियम हो गया, हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्यों? क्योंकि जो पहला शेल है उसके पास तो केवल एक ही सब शेल है, यानी कि s, और s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो या तो बनेगा 1s1 या बनेगा 2s2, 1s1 और 1s2 when n is 1, तो 1s1 या 1s2, fine। तो देखो 1s1 अगर है तो ये हाइड्रोजन, 1s2 अगर है तो ये हीलियम। मींस हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो सम ऑफ नंबर ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होना चाहिए। मान लो मैंने अभी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, ये लिखा था देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो आपको ये नोटिस करना है बेटा कि अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आने चाहिए, 11 आने चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2 + 2 4 हो गए, 4 + 6 10 हो गए, और 10 + 1 कितने हो गए, 11। यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है। दूसरा पॉइंट क्या देखना है कि जो n है 1 है, 1 में केवल एक ही सबशेल होता है, यानी कि 1s। जो n इज इक्वल टू 2 है उसमें दो सबशेल होते हैं, s भी होता है और p भी होता है, मीन्स 2s 2p। तीसरा आएगा तो उसमें 3 होंगे, मीन्स 3s 3p और 3। ऐसे करके हम भरते जाएंगे, पर यहाँ जरूरत ही नहीं है, यहीं तक भी हमारा 11 पूरा भर गया, तो इसलिए हमने आगे नहीं लिखा। थोड़ा सा समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? वैसे बेटा ये थोड़ा मैं मानती हूँ कि आप लोगों के लिए नया है, बट व्हाट हैपेंस इफ यू हैव स्टडीड फ्रॉम मी फ्रॉम वेरी बिगनिंग ना, आपको ये क्लियर हो जाता है एकदम, यू वोंट हैव बी हैविंग एनी डाउट इन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू नाउ ऑल्सो, है ना। थोड़ा सा आइडिया लगा कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ओके फाइन, ठीक। तो यू कैन डू वन थिंग बेटा, जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताती हूँ, कुछ भी समझाती हूँ, इफ यू फील लाइक आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना, फॉर रिवाइजिंग, अगर रिवाइज करना है आपको या कुछ भी ऐसा, ओके। और अगर आप थोड़ा सा अलग से भी पढ़ोगे ना, देन यू विल कम टू मी, फाइन। तो ये हो गया पॉइंट। अच्छा, अब फर्स्ट पॉइंट क्या था बेटा, कि द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन्स एंड द हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एल्कली मेटल्स आर सेपरेटेड बाय द नोबल गैसेस। देखो बेटा, ये कहना चाह रहे हैं कि जो एल्कली मेटल्स हैं वो तो कैसे बॉन्ड बना रहे हैं, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और जो हैलोजन्स हैं वो कैसे बना रहे हैं, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट जो नोबल गैसेस हैं वो तो ना इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं ना लूज कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, बस मुझे ये बता दो, व्हाई नोबल गैसेस डोंट लूज और डोंट ट्राई टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स, व्हाई इट इज सो? मैम, क्योंकि वो स्टेबल है, वो स्टेबल है, स्टेबल है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली, वो स्टेबल है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो क्यों बनाएंगे? सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग ना बेटा, ये यही तो कहना चाह रहे हैं कि जो एल्कली मेटल्स हैं और जो हैलोजन्स हैं उनके बीच में नोबल गैसेस इसलिए आ रही हैं क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी है और वो बॉन्ड्स फॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। समझे मेरी बात? Got it, ma'am. इसलिए वो उससे सेपरेटेड है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस दस फॉर्म रिटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द नोबल। देखो यही बात अभी मैंने बोली, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो कैसा नोबल गैस वो कैसा अटेन कर लेते हैं, स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं, ठीक है। और अभी ये मैंने भी बता दिया बेटा कि हीलियम जो है वो कैसा शो करेगा, डुप्लेट, ठीक है, और यस, और बाकी जो है वो कैसा शो करेंगे, ऑक्टेट यानी कि 8, मीन्स 8 यानी कि NH6। और हीलियम और जो हाइड्रोजन होते हैं ना, उनके पास इतनी पहले तो जगह नहीं होती कि वो 8 इलेक्ट्रॉन रख लें, गई उनके पास है ही नहीं जगह। हाइड्रोजन बेचारा, उसके पास एक ही शेल है, ठीक है, 1s1 होता है,
हीलियम जो होता है वो 1s2 होता है। अब बताओ इनके पास कोई जगह है नहीं, कुछ नहीं है, ये कहाँ रख लेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, ये डुप्लेट शो करते हैं, कहते हैं भाई हमें ज्यादा लालच नहीं है, हम सीधा सीधा अपना डुप्लेट शो करेंगे, मतलब हमारे आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसी में ये संतुष्ट हो जाते हैं और ये स्टेबिलिटी शो करते हैं। ठीक है, ओके। और बाकी जो है वो ऑक्टेट शो करते हैं। नाउ सी, यस दे हैव गिवन अगेन, सी दे हैव टेकन द एग्जांपल सोडियम और क्लोरीन का इन्होंने लिया है। देखो सोडियम क्या कर रहा है बेटा, सोडियम जो है वो Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसने लूज कर दिया। तो लूज करने पे क्या हो गया, लूज करने पे इसका ऑक्टेट बन गया, अभी मैंने ऊपर समझाया है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जो क्लोरीन है उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड बना लिया, तो क्लोराइड बनाने के बाद इनका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया वो क्या हो गया, 3s2 3p6 3s2 3p6 हो गया। और इसीलिए NaCl बनता है। NaCl कैसे बनता है, सोडियम जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है। देखो दोनों खुश हो गए, सोडियम ने अपना दे दिया तो उसका ऑक्टेट बन गया, क्लोरीन ने एक ले लिया तो उसका ऑक्टेट बन गया, दोनों खुश हो गए। तो इसीलिए ये लोग आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं और क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। गॉट इट, बोथ हैव गेन्ड स्टेबिलिटी। गॉट इट मैम। क्लियरली अब हम CaF2 की बात करेंगे, तो CaF2 में क्या हो रहा है, CaF2 कैल्शियम जो है उसके उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, 4s2, मतलब उसके आउटर मोस्ट। देखो कैल्शियम कहाँ आता है बेटा, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, पिछले चैप्टर में पढ़ा था एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, Ns2, मतलब उसके पास कितने खाली इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं, फालतू पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देना चाहेगा, और जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देना चाहेगा तो Ca+2 और +2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, लूज कर दिए। अच्छा बेटा एक चीज मैं आपको पहले भी बताई है, फिर से बता रही हूँ, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो वो कैटायन बनता है, और गेन करता है तो एनायन बनता है। ठीक है, तो ये कैटायन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज कैसे बना, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, तो इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, मतलब किसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ऑर्गन का, Ar फॉर आर्गन, नॉट ऑर्गन, इट्स आर्गन, सॉरी, ओके, ये क्या हो गया, आर्गन। ठीक है, अब हम देखेंगे किसका, फ्लोराइड का। फ्लोराइड क्या है, हैलोजन है। हैलोजन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो देखो फ्लोरीन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और ये फ्लोराइड बना लिया, तो इसके इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, मतलब नियोन का अटेंड कर लिया। तो सी नियोन एंड आर्गन बोथ आर नोबल गैसेस। कैल्शियम को आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, सोडियम सॉरी दिस फ्लोरीन को नियन का मिल गया, तो ये दोनों सेटिस्फाइड हो गए। लेकिन देखो एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, बट कैल्शियम को तो 2 देने हैं ना, तो अगर उसे 2 देने होंगे तो वो एक फ्लोरीन को देगा, दूसरा दूसरे फ्लोरीन को देगा, सो दैट्स व्हाई इट हैज बिकम CaF2। व्हाट इट, कैल्शियम को तो 2 देनी है, एक फ्लोरीन को तो 1 ही चाहिए, वो कह रहा है मेरे बस की नहीं है, मैं 2 नहीं ले सकता, जगह ही नहीं है उतनी मेरे पास। ठीक है, एक में ही उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो इसीलिए कैल्शियम क्या करेगा, 2 फ्लोरीन से बाइंड कर जाएगा और सारे के सारे का क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ऐसे बॉन्डिंग बन गई। अब लीविस से पूछा गया कि भाई ये बॉन्डिंग बन तो रही है लेकिन ये स्टेबिलिटी कैसे अटेन कर रहे हैं, मतलब कैसे रहेंगे स्टेबल। तो उन्होंने ये बोला, 2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो हम सभी जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जब अट्रैक्ट करते हैं तो देखो कैल्शियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, फ्लोराइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो ये एक दूसरे को किसकी वजह से हेल्ड रखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसकी वजह से वो आपस में क्या रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, यानी कि वो जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल रहेगा। गॉट इट, ओके, यस। नाउ कम टू ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल अभी हमने ही देख लिया बेटा, ऑक्टेट रूल क्या होता है, बाय शेयर। देखो अब ये रूल क्या कहता है, ये रूल ये कहता है कि भाड़ में जाओ मैं मतलब नहीं है, हमें तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने से मतलब है,
चाहे तुम दो इलेक्ट्रॉन्स चाहे लो चाहे शेयर करो, दे डू नॉट वॉन्ट टू नो कि क्या करो, लेकिन कुछ भी करके क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है. तो देखो व्हाट इट इज सेइंग दैट ईदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर मींस गेनिंग और लूजिंग. मींस या तो इलेक्ट्रॉन्स ले लो, लूजिंग मींस या तो इलेक्ट्रॉन्स दे दो, और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर ना अगर दे भी नहीं सकते ले भी नहीं सकते तो क्या कर लो, शेयर कर लो. बट एट लास्ट मुझे क्या चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट चाहिए. व्हाट इट ऑक्टेट रूल का मतलब है, या तो इलेक्ट्रॉन्स दे दो या ले लो, या फिर क्या कर दो, अगर दोनों ना ले सकते ना दे सकते तो क्या कर दो, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लो. अगर ऐसा करके ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है सो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन एंड दैट इज नोन एज ऑक्टेट रूल. फाइन. अभी तक तो हमने सोडियम क्लोराइड में क्या पढ़ा बेटा, अभी हमने पढ़ा सोडियम क्लोराइड के बारे में. यहाँ सोडियम क्या कर रहा था, सोडियम इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा था और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा था, ठीक है. तो ये मैटर चल रहा था. लेकिन मान लो अगर हम शेयरिंग की बात करें तो शेयरिंग कैसे होगी, शेयरिंग देखेंगे. सो अगेन शेयरिंग ऑल डिपेंड्स ऑन कोवेलेंट बॉन्ड. फाइन, इट डिपेंड्स ऑन कोवेलेंट बॉन्ड. अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक, ये भी एक क्वेश्चन है, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड. एंड अभी जो हमने NaCl में पढ़ा वो आयनिक बॉन्ड था. सो फर्स्ट वी विल सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, ठीक है, कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड. बहुत एक सिंपल सी स्टोरी से समझाऊंगी बेटा, एकदम क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है. वो समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू फॉलो दिस, है ना, ये नहीं फॉलो कर पाओगे. देखो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. व्हाट आर दोस, द फर्स्ट वन इज आयनिक बॉन्ड. ये सारा 10th में था. हां बेटा ये सारा 10th में ही था, वी आर ऑल रीडिंग द बेसिक्स, ठीक है. दूसरा जो है वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड. और तीसरा जो है वो क्या है, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अब देखो समझने वाली बात क्या है बेटा, पहले इसमें आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड जो बनता है दैट इज बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. या तो गेन करो इलेक्ट्रॉन या फिर लूज करो इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड. अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ बेटा, लाइक योर पेरेंट्स, ठीक है, आपके जो पेरेंट्स हैं दे आर कम्प्लीटली गिविंग यू एवरीथिंग, ठीक है, एंड यू आर कम्प्लीटली एक्सेप्टिंग ऑल द थिंग्स, सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ आयनिक बॉन्ड. वो कैसा एग्जाम्पल हो गया, आयनिक बॉन्ड का, ठीक है. देन कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, दैट इज मेड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, फ्रेंडशिप, ठीक है. फ्रेंड्स के बीच में क्या होती है बेटा, शेयरिंग होती है. ऐसा थोड़ी ना होता है कि यू आर कम्प्लीटली गिविंग एवरीथिंग टू योर फ्रेंड एंड योर फ्रेंड इज एक्सेप्टिंग ऑल द थिंग्स, ठीक है. आप हमेशा पार्टी देते हो तो कभी ऐसा भी तो कह देते हो कि यार हमेशा मैं ही देता हूँ, इस बार तू दे दे पार्टी. फाइन, सो इट्स अ काइंड ऑफ शेयरिंग, ठीक है. तो जब शेयरिंग से बने, मतलब दो जिनके बीच में बॉन्डिंग है वो आपस में क्या करें, कुछ चीजों को शेयर करें, सो दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड. मतलब वो शेयरिंग कैसे होती है, एक तू दे एक मैं दे रहा हूँ, सो इट्स लाइक दैट, ठीक है. लाइक द रिलेशनशिप बिटवीन योर फ्रेंड्स, जैसे आपके फ्रेंड्स के बीच में होता है, सो दैट इज अ काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यू कैन थिंक, ठीक है. नाउ द थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज एक्चुअली कंप्लीटली गिविंग विदाउट एक्सेप्टिंग एनीथिंग और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस. अब ये क्या है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, नाउ लिसन टू मी, अ वेरी गुड एग्जाम्पल आई एम गिविंग टू दिस. देखो सपोज अ बेगर कम्स टू योर होम, ठीक है, आपके यहाँ एक कोई भिखारी आता है और कहता है कि ही वॉन्ट समथिंग, ठीक है, कुछ चाहिए. सो यू से टू हिम कि आई विल गिव यू एवरीथिंग, मतलब हम खाना देंगे, रहने को जगह देंगे, सब कुछ देंगे, बट यू हैव टू लिव एट माई होम, ठीक है, मेरे घर पे रहना पड़ेगा. वंस यू लीव माई होम यू आई विल टेक ऑल द थिंग्स विच आई हैव गिवन यू. मतलब कि कंडीशन क्या है, मैं आपको सब कुछ दूंगा, बस आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा. लेकिन अगर आप चाहो कि आपको यहाँ से जाना है, ठीक है, आप अगर जाओगे तो जो भी मैंने आपको कुछ दे रखा है वो क्या करूंगा, वापिस ले लूंगा. सो इट्स अ काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड.
है ना। तो देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, बड़ा ही सिंपल है कि जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है एंड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, मतलब जब तक साथ रहोगे तब तक जो मेरा है वो तेरा है, लेकिन जैसे ही साथ छूटा आई विल टेक बैक ऑल द थिंग्स, इट्स अ काइंड ऑफ लाइक दैट। देखिए आयनिक बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है, योर पेरेंट्स आर गिविंग एवरीथिंग टू यू, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को छोड़ दोगे तो वो सारी चीजें वापस ले लेंगे अपनी, इट्स नॉट लाइक दैट, है ना। तो आयनिक बॉन्ड तो आपके पेरेंट्स जैसा है कि भले ही सब कुछ दे रहे हैं आप सब ले रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को छोड़कर जाओगे तो वो ये कह दे कि हमने तुम्हें जो कुछ भी दिया है वो वापस करो, इट्स नॉट लाइक दैट, है ना। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऐसा होता है दैट वंस यू लीव द बॉन्ड, मतलब अगर बॉन्ड टूटेगा तो वो सारा का सारा जो है वो वापस ले लेगा। सो वी विल स्टडी बाय द एग्जाम्पल्स। देखो एग्जाम्पल हम क्या लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड, अभी हमने पढ़ा सोडियम क्लोराइड जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है, सोडियम प्लस बनता है और क्लोराइड नेगेटिव। अब ये बने कैसे, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। सो सी सोडियम इज कम्प्लीटली गिविंग एंड क्लोरीन इज कम्प्लीटली एक्सेप्टिंग, ठीक है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ बॉन्ड विच इज आयनिक, फाइन। अब हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। देखो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है, सपोज वी आर स्टडिंग अबाउट हाइड्रोजन गैस ही पढ़ लेते हैं हम, है ना। हाइड्रोजन गैस के बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, एच टू। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, एच टू। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सी दिस इज हाइड्रोजन एंड वन मोर थिंग यू कैन स्टडी। देखो अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो मैंने इसलिए भी दिया बेटा क्योंकि जो पेरेंट्स वाला बॉन्ड होता है ना उसमें क्या होता है, पेरेंट्स कैपेबल है, है ना, आप कैपेबल नहीं हो तो इसलिए वो आपको कम्प्लीटली गिविंग एंड यू आर कम्प्लीटली टेकिंग। तो ऐसे ही है कि जो सोडियम है वो कैपेबल है तो इसलिए वो, और क्लोरीन जो है वो कैपेबल नहीं है तो इसीलिए सोडियम किसको दे रहा है, कम्प्लीटली क्लोरीन को दे रहा है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन है। अब बताओ ऐसा तो कोई भी नहीं है कि कोई कैपेबल है और कोई कैपेबल नहीं है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर की टक्कर है, ऐसी तो फ्रेंडशिप में होता है, दोनों बराबर रहते हैं फ्रेंडशिप में। तो जब दोनों बराबर है तो वो कहता है कि मैं क्यों दूं, वो कहता है मैं क्यों दूं, तो इसमें नहीं होगा कि कोई दे रहा है कोई ले रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ शेयरिंग। वो कहते हैं चलो ना तू दे ना मैं देता हूँ, हम शेयर कर लेते हैं, ठीक। तो देखो इनके बीच में क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। अब हाइड्रोजन जो है उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर जो दूसरा हाइड्रोजन है उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये कहते हैं कि चलो हम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं और हम क्या बना लेते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड बना वो कैसे बना, इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और यहाँ पर क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। सो दे आर शेयरिंग, यहाँ पर क्या हो रही है बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक।